नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और सिलसिला बाजारों का मैं आज एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप सबके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्री कम्युनिटीज की, जान लेते हैं रूपा जी से कि आज एग्री कम्युनिटीज का बाजार हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कैसा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे कैसे सीड से। रूपा जी, देखने कैसे सीड के नवंबर वायदा 6584 पर कारोबार कर रहा है, 6650 का हाई लगा चुका है और दिसंबर वायदा 6710 का हाई लगा चुका है। रूपा जी, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पास में है, वहीं दिसंबर वायदा 6700 के ऊपर का हाई लगा चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से दिसंबर वायदा में 6600 की सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है और 6700 के ऊपर का हाई लग चुका है, तो क्या इससे भी ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? रूपा जी, कैसे सीड के ऊपर बात करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से कैसे सीड का नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 6600 के ऊपर का कारोबार करता हुआ नजर आ चुका है और दिसंबर वायदा में 6700 के ऊपर का हाई लगते हुए देख चुके हैं, तो क्या कैसर में इससे भी ऊपर के हाई लेवल्स देखने को मिल पाएंगे दिसंबर वायदा में? देखिए, बिल्कुल उम्मीद है 7000 तक का स्तर, जैसा कि हमने पहले भी बताया था 6800 से 7000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं दिसंबर वायदा के अंदर। अभी बाजार 6600 के ऊपर सस्टेन है और अगर ये सस्टेनेबिलिटी आती है और क्लोजिंग एक दो ट्रेडिंग सेशन की अगर क्लोजिंग 6600 के ऊपर हो जाती है तो 6800 का टारगेट जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है, 6800 से लेकर 7000 का स्तर, क्योंकि डिमांड काफी पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है और अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जैसे रूपा जी, देखने बिनौला खल भी एक बार फिर से 2500 के ऊपर निकला है, दिसंबर वायदा 2500 के ऊपर ही है सस्टेनेबिलिटी के साथ, आपको क्या लगता है क्या 2600 का भी लेवल जल्दी देखने को मिल पाएगा? देखिए, जहां तक बिनौला खल की बात है, बिनौला खल के अंदर भी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और ऊपर में बाजार जो है 2520 तक ऊपर जा सकते हैं और मुझे लगता है कि बाजारों के अंदर अभी फिलहाल जो है बाइंग की रणनीति लेनी चाहिए। दिसंबर वायदा की बात करें तो अगर 2520 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आती है तो 2600 तक का भी स्तर देखने को मिल सकता है। जी, ये सर जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया तो पहले दिवाली से पहले 8000 के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं फिसलता हुआ नजर आ रहा है, 7800 के घरों में कारोबार कर रहा है। लेकिन जीरा और हल्दी काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, जीरे का नवंबर वायदा देख रहे हैं 15500 के ऊपर है, तो वहीं दिसंबर वायदा 15700 के ऊपर और 15840 का हाई लग चुका है। रूपा जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से जीरे में लगातार तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या जीरा 16000 के लेवल्स जल्दी दिखा पाएगा? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 16000 का स्तर दिसंबर वायदा में अगर छू भी जाए लेकिन उसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए। लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि बाजार 15000 से 16000 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 15000 के ऊपर है और 16000 के नीचे है, तो मुझे लगता है कि जब तक 16000 के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई लंबी तेजी इसमें बनती हुई दिखाई नहीं देगी। हाल फिलहाल में यही लेवल है 15800 तक, जैसे आज ऊपर हमने जाता हुआ देखा तो बहुत ज्यादा तेजी अभी फिलहाल नहीं है। 16000 तक मैक्सिमम 16200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, से ज्यादा लंबी तेजी मुझे नहीं दिखाई देती। हाँ, हल्दी हो सकता है यहाँ से पिकअप ले ले, हल्दी 7800 तक का स्तर जो है वो दिखा सकती है दिसंबर वायदा में और वहीं नवंबर वायदा की बात करें तो 7600 तक का स्तर ऊपर में संभव है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी अभी मसालों के अंदर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी, जैसे रूपा जी, नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर, तो ग्वार में हमने बीते सत्र में शाम के कारोबारी सत्र में 6-6% के ऊपरी सर्किट लगते हुए देखे थे, देख रहे हैं वही तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। ग्वार गम का दिसंबर वायदा 12972 पर कारोबार कर रहा है और 13200 का हाई लगा चुका है, 1% की करेक्शन है। वहीं बात करें ग्वार सीर की, तो ग्वार सीर का दिसंबर वायदा 6990 का हाई लगा चुका है 1.5% की करेक्शन के साथ, 7000 के लेवल्स के बेहद करीब। रूपा जी, देख रहे हैं एक बार फिर से ग्वार कॉम्प्लेक्स में एक अच्छी खासी रैली निकल के सामने आ रही है, आपको क्या लगता है क्या ग्वार में इससे भी ऊपर के लेवल्स अभी देखने को मिल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल ग्वार के अंदर तेजी है और मुझे लगता है कि बिल्कुल 13000 से लेकर 15000 के 13000 के लेवल हमने पहले भी मार्केट में आते हुए देखे हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि 15000 तक के भी लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो इन लेवल्स के लिए इसके अंदर फिलहाल बाइंग करके चला जा सकता है। जी, यहीं से रूपा जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो हमने देखा है कि सरकार ने काफी ज्यादा कदम भी उठाए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं थोड़ी सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए भी नजर आए, उसका असर हमने सोयाबीन की कीमतों पर भी पड़ते हुए देखा है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर सोयाबीन अब 9000 पर बिकती हुई नजर आई है, दिवाली के बाद जो मुहूर्त था उस पर बिकती हुई नजर आई है,
रूपा जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से अब किसान सोयाबीन को होल्ड करके रखना शुरू कर दिया है किसानों ने, क्योंकि उनको उनकी MSP भी नहीं मिल पा रही थी और बेमौसम बरसात से भी सोयाबीन की फसलें खराब होती हुई नजर आई हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या सोयाबीन की कीमतें आगे जाके कहीं कुछ अच्छी मिल पाएंगी? देखिए सोयाबीन की कीमतें अभी देखिए सभी खाने के तेलों की अगर बात करें तो तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए सप्लाई जो है वो वापिस से डिस्टर्ब हो चुकी है। तंग सप्लाई के चलते जिस तरीके से किसानों ने माल को रोका हुआ है और मंडियों में फिलहाल बिक नहीं रहा है और अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन जो है उसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। मलेशिया और इंडोनेशिया में भी अगर देखा जाए तो पाम की फसल कमजोर होने की खबरें निकल कर आ रही हैं, वहीं अमेरिका में सोयाबीन की फसल कमजोर दिखाई दे रही है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो वापिस से कीमतों को सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते मांग देखने को मिल रही है और खाने के तेलों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके चलते बाजारों में तेजी बनी है और ये तेजी अब थोड़ी सी सस्टेनेबल हो सकती है। और अगर सप्लाई डिस्टर्ब रहती है और अगर नहीं स्टॉक निकलता मार्केट के अंदर तो वापस से कीमतों में उछाल बन सकता है और तेजी बन सकती है। लेकिन अभी बाजार जो है सरकार भी इसके ऊपर अपनी नजर बनाए हुए है बाजारों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी ना बन पाए। लेकिन अभी जो बाजार बनता हुआ दिखाई दे रहा है सोयाबीन की बात करें तो दिसंबर वायदा वही 5000 से लेकर 5500 की रेंज मुझे दिखाई देती है। इसमें फिलहाल बहुत ज्यादा ऊपर बाजार जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 5500 तक मैक्सिमम अपसाइड फिलहाल दिसंबर वायदा में आ सकता है और अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ मार्केट तो ज्यादा से ज्यादा आपको जो तेजी देखने को मिलेगी वो 5600 से 5800 तक देखने को मिल सकती है। जी जैसे रूपा जी बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में आपको क्या लगता है जिस हिसाब से बुवाई लेट हुई है, अराइवल्स लेट आएंगी और इस बार उत्पादन भी बेहतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि किसानों को इस बार काली सरसों ने सोने जैसा मुनाफा दिया है, आपको क्या लगता है आने वाले समय में सरसों का रुझान कैसा रहेगा? देखिए वो वाली तेजी तो अभी अखिलेश एक्सपेक्टेड नहीं है जो पहले देखने को मिली और जो अच्छा खासा मुनाफा घर ले जाते हुए दिखाई दिए हैं व्यापारी लोग, लेकिन फिलहाल अभी वैसी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। मुझे नहीं लगता कि अब सरसों के अंदर कोई बहुत ज्यादा अपसाइड बनेगा, क्योंकि इस बार अच्छे प्राइजेस मिले हैं, सोइंग अच्छी हुई है, आगे क्रॉप भी अच्छी आएगी अगर मौसम ठीक रहता है तो। अगर फसलें अच्छी होती हैं तो डेफिनेटली प्राइजेस के ऊपर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइजेस नीचे आते हुए दिखाई देंगे और अभी जो तेजी आनी थी वो आ चुकी। मुझे लगता है यहीं पर बाजार सस्टेन करेंगे, इससे ज्यादा लंबी तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, आपकी तरफ से आज एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए एग्री कमोडिटीज के अंदर मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए ग्वार और कैस्टर ये दो कमोडिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है और आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है और एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो यह था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट MCV पर।